देखिए बात, आपका स्वागत है। पर्यटन निगम और मेक माय ट्रिप के बीच चल रही सौदेबाजी में एक नया मोड़ आ गया है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह द्वारा 2.5 करोड़ मुआवजा तय करने के बाद भी पर्यटन निगम के अधिकारी मामले को 1.5 करोड़ में रफा दफा करने की तैयारी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पर्यटन निगम की होटलों को गर्त में पहुंचाने वाले मेक माय ट्रिप पर आखिर क्यों पर्यटन निगम के अफसर मेहरबान हैं? चुनावी दौर में पर्यटन निगम के अफसरों की इस रहस्यमय जल्दबाजी के पीछे मिलीभगत की बू आती है। थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो इस मामले को उजागर होने के बाद पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के कहने पर ही FIR दर्ज करवाई गई। इसके बाद विश्वेंद्र सिंह ने कंपनी के मुलाजिमों से बात कर 2.5 करोड़ रुपए का मुआवजा भी तय किया था, लेकिन आचार संहिता का फायदा उठा पर्यटन निगम के अफसर अपने ही मंत्री की बात न मानते हुए कंपनी पर ज्यादा ही मेहरबानी दिखाने लगे और 1.5 करोड़ रुपए में ही न केवल FIR वापस लेने को तैयार हैं, बल्कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की जगह पर्यटन निगम की होटल की बुकिंग देने को भी तैयार हैं। दरअसल इस पूरे मामले में एक तकनीकी पेंच भी है। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद जो सबसे ज्यादा अनुभवी मंत्री हैं, वो विश्वेंद्र सिंह। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह 3 बार सांसद, 3 बार विधायक और 1 बार जिला प्रमुख रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान सरकार में उनके अनुभव को संभवतः यथेष्ट स्थान नहीं मिला है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जिस मंत्री के पास पर्यटन विभाग हो उसे कला संस्कृति नहीं दिया गया। वर्तमान सरकार में कला एवं संस्कृति का जिम्मा डॉक्टर BD कल्ला के पास है। विडंबना ये भी है कि पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के पास पर्यटन निगम को महज सलाह देने का अधिकार है, वो आदेश नहीं दे सकते। शायद यही कारण है कि पर्यटन निगम के अफसर इतने अनुभवी और सक्षम मंत्री की सलाह को दरकिनार कर मेक माई ट्रिप के साथ हाथ मिलाने की साजिश रच रहे हैं। इस मामले में कल पर्यटन निगम में एक बैठक भी होगी जिसमें मेक माई ट्रिप के साथ सौदेबाजी को अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि गहलोत सरकार के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक विश्वेंद्र सिंह इन तमाम बंदिशों के बावजूद क्या गहलोत का मैंडेट पर्यटन निगम में भी लागू कर पाएंगे? बहरहाल जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि विश्वेंद्र सिंह एक सशक्त मंत्री और राजनेता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। वो इतनी आसानी से पर्यटन निगम के अफसरों को ब्लैक डील करने नहीं देंगे। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।